हेलो दोस्तों, आज़ाद न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं सुनीता शर्मा, आज़ाद न्यूज़ टीवी से ब्यूरो चीफ हरियाणा। आज मैं पहुंची हूँ न्यू बस स्टैंड के पास, नंदी गौशाला में कपिस्थल। तो मैं यहाँ पे बहुत चीज़ों की जानकारियाँ ली और काफ़ी चीज़ें देखी हुई यहाँ पे, जो हर मतलब सभी गायों के लिए अलग अलग सेवाएं चली हुई हैं और अलग अलग इनका इंतज़ाम भी किया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ के बहुत साथी हैं यहाँ पे, तो इनसे पूछेंगे क्या क्या सेवाएं चली हुई हैं और क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं गाय को। हाँ जी सर, क्या क्या सुविधाएँ दे रहे हो गाय को? सुविधाएं खाने की, पीने की, इनको अलग अलग इनको रखा हुआ है, बच्चे अलग, बूढ़े अलग, सांड अलग, अमेरिकन गायें अलग रखते हैं, देसी गायें सभी अलग रखते हैं, दूध वाली सब अलग रखते हैं, बछड़े जो है ना वो सब अलग रखते हैं। और इनके खाने की व्यवस्था, खाने के साथ साथ पानी की पीने की व्यवस्था सभी अंदर रखी हुई है जी। अलग अलग वार्डों में ही है, सबके अलग अलग वार्ड हैं। और दिन में जैसे धूप में निकाल देते हैं, रात जैसे कि सर आपने जैसे कि बीमारों के लिए अलग रखा हुआ है, बीमारों के लिए बिल्कुल अलग एक मेडिकल बनाया हुआ है हमने अलग से। उसके अंदर जो भी बीमार, शहर से भी जो गायें टूट फूट जाती हैं, बीमार हो जाती हैं, उनको भी यहाँ जाओ लाया जाता है। उनके लिए इलाज के लिए डॉक्टर रखा हुआ है स्पेशल हमने, और उनके इलाज के लिए हमने मशीन भी लगाई हुई है, जिस मशीन पे हम खड़ी करते हैं गाय को, और वो आध घंटा दो घंटे खड़े करते हैं तो वो ठीक भी हो जाती है जी। और इनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था रखते हैं जी, अलग अलग सभी वार्डों में सांडों को अलग रखते हैं, गायों का सबको अलग रखते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, इस नंदी गौशाला में जो कैथल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और यहाँ पे हमने खुद जाके देखा कि सभी गांवों के गाय के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। सभी मतलब खाने की व्यवस्था अलग है, पानी की अलग है। कुछ अंकल जी हैं, इनसे पूछेंगे कि यहाँ आप कितना टाइम से देख रहे हो गौशाला? मैं तो जिस दिन की बनी है उस दिन का देख रहा हूँ। बढ़िया सेवाएं चली हुई हैं? बहुत बढ़िया सेवा चल रही है। उस दिन के प्रधान आए हैं, बहुत बढ़िया सेवा, पानी की भी, घास की भी जी, चारा बहुत बढ़िया मिल रहा जी। बच्चे अलग हैं जी, बीमार अलग हैं, अमरीकन अलग हैं, देसी अलग है, खागड़ अलग है, दूधड़ी अलग है, सबने बहुत बढ़िया चारा मिल रहा जी जी। तो दोस्तों देख सकते हो कि जो सेवाएं इन्होंने की हुई है। सर आपका शुभ नाम बता दो। मेरा नाम रामलाल गर्ग उर्फ पप्पू आरेवाला। तो सर बतौर सेवक यहाँ काम करते हैं 2 साल से। अच्छा, कितने लोग काम करते हैं कम से कम? यहाँ 50 लोग हैं कम से कम, शहर के जो मौजूद आदमी हैं जो यहाँ सेवाएं देते हैं जी। जो 24 घंटे सेवाएं देते हैं, कोई किसी प्रकार की सेवा देता है, कोई किसी प्रकार की सेवा देता है, सब अलग अलग तरीके से सेवाएं देते हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों, पूरे कैथल डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 पे नंदी गौशाला जो बस स्टैंड के पास में पड़ता है। सर दोस्तों देख सकते हो हरियाणा में, और हमने जो अब तक देखा है सबसे बढ़िया गौशाला, सारी चीज़ें मैंने देखने के बाद हम इस इंटरव्यू लिया सर का, कि आप बताइए क्या क्या सेवाएं चली हुई। बहुत अच्छे तरीके से, पानी का अलग, खाने का अलग। तो अब मैं कुछ साथी खड़े हैं यहाँ पे, तो इनसे पूछना चाहेंगे कि आप यहाँ सेवा कर रहे हो? हाँ जी, यहाँ सेवा कर रहे हैं। कितने टाइम से कर रहे हो आप? 2.5 साल हो गए जी। अच्छा, क्या क्या सेवाएं करते हो आप? घास की सारी जो भी बनती है वो सब करते हैं। अच्छा, तो साथियों देख सकते हो इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपने विचार रखे, सारी चीज़ें बता दी है। तो हम तो यही गवर्नमेंट से या हरियाणा में सभी से यही अपील करेंगे कि जितनी भी सेवा ये गौशाला में कर रहे हैं, और हमें ज़रूरत भी है, तो लोगों को इस गौशाला की सेवा करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ बढ़ के सेवा करनी चाहिए और दान भी करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।